नमस्कार। एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ये बड़ी खबर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आई है। ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। इन तीन नामों में से जिसका सबसे अधिक चर्चा था नित्यानंद राय, उनका नाम नहीं है, वो इस नाम से आउट कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि हमने आपको कल ही से लगातार जो खबर दिखाई है उस खबरों का अब एक नया वर्जन आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के आपाधापी मची हुई है और दो तरफ से नीतीश की कुर्सी पर दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय का नाम बाहर कर रही थी। लगातार पिछले 48 घंटों में आपने सुना होगा कि नित्यानंद राय का नाम इसलिए सामने आ रहा है लगातार कि वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। इसकी तुलना तेजस्वी यादव से की जा रही थी, लेकिन इस होड़ में, इस दौड़ में कहीं ना कहीं नित्यानंद राय पीछे रह गए हैं। दो नए नाम आए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी के दावेदारों का लगातार दायरा बढ़ रहा है और दबाव भी बढ़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से पदच्युत करके अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन मामला दूसरे तरफ डाइल्यूट हो गया है। एक नई टीम आई है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाएगी। नीतीश कुमार के बाद कौन, तो इस बात को लेकर के मुकेश सहनी ने बयान दिए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान इससे पहले कई तरह के बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में होगा और इस परिवर्तन के साथ ही बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी छिन जाएगी। इसके पीछे का वजह भी वो बताते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बेहतर सामंजस्य नहीं है और केंद्रीय योजनाओं को नीतीश कुमार लागू नहीं होने देते। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। इन सारी बातों को लेकर के अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और दावेदारों का नाम बदल रहा है। कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर के आपकी भी जानने की इच्छा होगी, तो हम बताते हैं आपको कि हाल फिलहाल में ही एक दिन पहले मुकेश सहनी एक मीटिंग में थे जहां उन्होंने जदयू के नेताओं को अपने पाले में शामिल कराया। मुकेश सहनी ने खुल करके इस बात को बताया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन और किसके दम पर होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अतीत हो गए हैं, बहुत कम दिनों के लिए नीतीश कुमार हैं। हम बयान भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और किनका किनका नाम मुख्यमंत्री के होड़ में आगे चल रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि पहले लालू प्रसाद, जिन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी और आंदोलन की राह पकड़ करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे और एक बार नहीं तीन तीन बार बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाई, जिसमें दो बार खुद बने और एक बार अपनी पत्नी को बनाए। उसके बाद नीतीश कुमार का दौर आया और नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार चुने गए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का समय लगभग समाप्त हो गया कुछ दिनों के लिए है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की होड़ में और दौड़ में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने लिया है, वहीं दूसरा नाम उन्होंने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का लिया है और कहा है कि चिराग पासवान में वो दम है, युवा है और यही होड़ में भी है। तेजस्वी यादव चूंकि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका दावा जरूर है, लेकिन चिराग पासवान के दावे में भी कोई कमी नहीं है। हमने कल आपको खबरों में बताया था कि इसमें तीसरा जो नाम है वो न तो भारतीय जनता पार्टी से है और न जदयू से है, न हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से है, बल्कि तीसरा नाम मुकेश सहनी का है। और मुकेश सहनी ने बताया है कि वो युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बिहार के आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी में सबसे ऊपर है। यहां तक कि उन्होंने एक बात और कह के चौंकाई, जो कल भी आपको बताया था हमने, कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर किया था कि आप पार्टी हमारे पार्टी के साथ विलय कर लें, हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं। आज बीजेपी ने कहा कि सहनी जी पार्टी उटी बंद कीजिए और पार्टी विलय करके हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। ये पूरा वाक्य
आपने देखा भी होगा, लेकिन इससे नित्यानंद राय का नाम गायब होना और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के भी किसी का नाम नहीं होना चौंकाने वाला जरूर है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, हम आपको सुनाते हैं तो खबर और ज्यादा आपको सही लगेगी और इस पर आप अपने विचार भी दे सकते हैं। तीन नौजवान हैं, एक लालू जी का सुपुत्र, एक हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सुपुत्र और एक सन ऑफ मल्ला। उसके बाद आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आप भी इस नए मुख्यमंत्री की लिस्ट को अपने तरफ से फाइनल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।